Hello, hello. So welcome back to my channel, guys. मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि आप लोग को मुझे एक बहुत ही फनी एंड इंटरेस्टिंग पार्ट शेयर करनी है जो मेरे साथ हुआ है अभी, मतलब कुछ देर पहले. बात यह है कि फ्यू डेज बैक, लाइक मतलब 7 से 8 दिन पहले मैंने हमने एक टेबल फ़ैन ऑर्डर दिया था फ्रॉम अमेज़न, ठीक है. तो वो प्रोडक्ट आज रिसीव हो गया, तो मैं गई थी रिसीव करने के लिए. और एक फ़नी बात हुआ था वहाँ कि वो डिलीवरी बॉय आके नैन्सी गुप्ता बोल रहा है. गुप्ता नहीं है भैया, देखिए अच्छे से बोला तो. ओ सॉरी, नैन्सी गंगते. तो ये नैन्सी गुप्ता वाला वर्ड ना पहले बार नहीं है, दूसरी बार हो रहा है, क्योंकि पहले बार भी हुआ था नैन्सी गुप्ता बोल के मेरा नाम आया था, ठीक है. तो हो गया, मैंने प्रोडक्ट रिसीव किया. रिसीव करके मैं आई रूम पे, एंड आते ही मैंने फटाफट मैंने वो प्रोडक्ट खोला, क्योंकि मैं बहुत ही एक्साइटमेंट में थी वो फैन देखने को. क्योंकि आप सभी शायद एक्साइटेड होते हैं जब नया प्रोडक्ट या फिर कुछ भी नया हो तो फटाफट देखने को, खाने को या व्हाटएवर पहनने को. तो मुझे भी देखना था, ठीक है. तो मैंने वो फटाफट खोल दिया. खोलते वक्त मैंने खोला, उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पे दैट वन मैनुअल बुक नहीं था, जो इंस्ट्रक्शन बुक रहता है ना वो नहीं था. तो मैं सोचा ठीक है चलता है. तो मैंने YouTube से देख के मैं वो फ़ैन को असेंबल कर रही थी. तो व्हाइल असेंबलिंग मैंने देखा कि वो फ़ैन का जो सामने वाला जो पोर्शन रहता है जिसमें ब्रांड का लोगो या फिर ब्रांड का नेम रहता है, लाइक एस मैंने बजाज ब्रांड से मैंने ऑर्डर किया था, तो उसमें बजाज का नाम लिखा हुआ था, ठीक है. तो वो बजाज वाला जो नेम है उसमें हल्का सा स्क्रैच था, मतलब इट वॉज विजिबल, वो दिखाई दे रहा था, ठीक है. तो मैं सोचा ठीक है चलता है, फैन अच्छा से चलने से ठीक है बोल के मैंने आई कंटिन्यू असेंबलिंग, ठीक है. कंटिन्यू कर रही थी तो उसके बाद सब कुछ हो गया, फैन वॉज रेडी. तो उसके बाद टाइम आया उसको चालू करने का, तो मैंने स्विच ऑन किया. स्विच ऑन करने के बाद मैंने सबसे पहले ऑब्वियसली नंबर 1 वाला स्विच मैंने प्रेस किया, तो वो चल रहा था बहुत अच्छा खासा, ठीक है. मैं हवा ले रही थी, उफ, तो खुद को इमेजिन कर रही थी कि मैं उसमें मैं रील्स बना रही हूँ, मेरा बाल ऐसा उड़ रहा है वैसा वैसा, ठीक है. तो उसके बाद 2-3 मिनट मैंने वही हवा, क्योंकि और फैन मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, ठीक है, फ़ैन को. तो उसके बाद मुझे याद आया, ओह चेक कर लेती हूँ स्विच काम कर रहा है नहीं. तो 1 नंबर तो चल रहा था, 2 नंबर वो भी चल रहा था, एंड 3 नंबर जो था वो एक्चुअली नहीं चल रहा था, मतलब चल रहा था नहीं चल रहा था जैसे. तो मैंने जब वो क्लिक किया था 3 नंबर पे, तो 3 नंबर वाला स्विच जो था वो हल्का सा लूज़ था, ठीक है. तो उसको थोड़ा सा ज़ोर से प्रेस करना पड़ता है, उसके बाद वो फैन चालू होता है. तो हो गया एक वही पे कॉन्स नंबर 2, क्योंकि पहला वाला था वो स्क्रैच, नंबर 2 में था 3 नंबर वाला स्विच काम नहीं कर रहा था. एंड उसके बाद मैंने सब कुछ देखा, ठीक है. और उसके जो फ़ैन के पीछे जो फ़ैन जो स्विच रोटेट करता है, रोटेट को ऑफ ऑन वाला ऑप्शन रहता है ना, तो मैंने वो वाला भी मैंने देखा, क्योंकि वो उसको जब रोटेटिंग वाला को जब बंद करना पड़ता है तो उस वो पीछे जो था चीज, पता नहीं उसको क्या बोलते, प्रेस बटन कुछ था, उसको ऊपर उठाना पड़ता है. तो मैंने उसको ऊपर उठाया, ऊपर उठा के मैंने जब फ़ैन को फिर चालू किया तो फ़ैन वॉज स्टिल रोटेटिंग, ठीक है. तो मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत से कुछ कर दिया होगा, तो मैंने फिर से दोबारा यूट्यूब देखा. यूट्यूब में जब मैंने देखा तो ठीक ही चल रहा था, तो उसके बाद देखा तो काम ही नहीं कर रहा था, ठीक है. तो वो हो गया 3 नंबर. तो पहला हो गया स्क्रैच, दूसरा हो गया थर्ड वाला स्विच काम नहीं कर रहा था, एंड तीसरा हो गया रोटेटिंग वाला स्विच काम नहीं कर रहा था. तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई था कि मैं वही पे ना हक्का बक्का रह गया. तो यही था, एंड
यस व्हाइल अनबॉक्सिंग द प्रोडक्ट मैंने वीडियो भी शूट किया था कि मुझे यूट्यूब में देना है, मैं ये वीडियो को छोड़ूंगी, तो मैंने एकदम वीडियो शूट किया एंड इट वाज फनी आल्सो। वीडियो बहुत ही फनी था क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटमेंट में थी ना, तो मेरा हरकतें बहुत फ़नी हो गया था। ऑब्वियसली मेरा हरकतें हमेशा फ़नी ही रहता है एंड ये तो ऐसा ही था मेरा वीडियो, पागलों की तरह पागलपंती एंड एक्साइटमेंट क्या, हर किसी को, कोई भी अगर आपके सामने कुछ नया चीज़ हो, हर कोई ऐसा ही करता है कि पागल जैसा, ओ माय गॉड मुझे पहनना है, खाना है, मुझे जल्दी करना है, जल्दी पहनना है, मुझे देखना है। तो मैं भी वैसे वही थी। खोला मैंने तो वो वीडियो, मैं ज़रूर इसके बाद मैं ऐड करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा वो वीडियो का, मज़ा लीजिएगा वो वीडियो का। एंड यस एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल नैन्सी व्लॉग्स एंड यस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हेलो हेलो गाइस, सो बहुत अरसे के बाद मुझे ये रिसीव हुआ है, सो इट ऑलमोस्ट टू 1 वीक या फिर 1 वीक से ज़्यादा होगा। एंड आप देख सकते हैं ये एक फैन है, ओ उल्टा है, सॉरी। तो आपने से देखा होगा कि हर वीडियो में मैं बोलती हूँ बहुत गर्मी है, सो आई लिटरली नीडेड अ फैन, छोटा सा फैन। सो मैंने ये अमेजन से ऑर्डर किया था, तो अभी रिसीव करते वक्त डिलीवरी बॉय बोला यस नैन्सी गुप्ता, सॉरी नैन्सी गांगते। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि किसी ने मुझे नैन्सी गुप्ता कहा है, पहले भी मेरे साथ ऐसे, पता नहीं ये गांगते को कहाँ से गुप्ता दिखाई दे रहा है लोग को। तो ज्यादा गप सप नहीं करके लेट्स अनबॉक्स दिस वन। ठीक है तो ये ऐसा है, ओहो आज से मैं मजे ही मजे में हूँ। पता नहीं और इसको खोलना है कैसे खोलूं। माय गॉड ऐसा पैक किया कि मुझे इसके लिए चाकू चाहिए होगा। शह ए जितना माल है निकालो, निकाल निकाल निकाल, क्या देख रहा है, अगर ऐसा बोलती तो मैं हर शाम को। ओ माय गॉड आई एम सो गंदू, छी ये खुलता है यहाँ से, देख रहे हो, एंड मैं यहाँ से खोलने वाले थे यहाँ से, छी 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 नैन्सी छी। बहुत ही गंदा स्मेल है, आई थिंक आफ्टर डिस्काउंट 1799 पर आई। क्या
बस खाली ये है हमारा 1 ईयर वारंटी कार्ड। What is this? I do not know what is this. ठीक है, इंस्ट्रक्शन बुक होता है ना, किधर है? हाउ इसको ऐसा करना पड़ेगा ना, लाइक दिस। एंड यस, दिस वन इज फ्रॉम बजाज। गंदा क्यों लग रहा है रे? ये तो स्क्रैच हो गया। ओहो, दिखाई नहीं दे रहा यार, ये ना ये सी ये दिख रहा है कहाँ स्ट्रेच। क्या करे क्या करे, मुझे तो गर्म लग रहा है भाई। कैसा वर्ल्ड क्लास फीचर, सब फीचर बोलने से नहीं होगा ना। আমি কি করে এটা অ্যাসেম্বল করব বলে তো, হ্যাঁ কিছু ইনস্ট্রাকশন খাতাও বইও দেয়নি। ये कहा, वेयर इज दिस सपोज टू बी, ये मुझे पता है कि ये पीछे ही रहेगा। तो गाइस, मैं ये असेंबल करके आई विल शूट अगेन, बिकॉज मुझे देखना पड़ेगा कैसे करते हैं। 5 minutes later, ऐसा टाइट करना है स्क्रू को, ठीक है। और मैंने ये यूज किया है, और एक स्क्रू। इसको खोलना नहीं दे रहा है, सॉरी। तो इसको खोलना है, खोलना है, इसको कैसे टाइट करेगा अभी। ऐसा One eternity later. तो गाइस, मैंने फैन फिट कर लिया है, आई होप सो कि अच्छा से हो। तो मैं स्विच ऑन कर रही हूँ, डर लग रहा है, बट 1 2 3 चल रहा है ना।
अभी I'm so happy. ठीक है, ये तो हो गया. ये पीछे पता नहीं मैंने क्या क्या किया है, इसको उसको देखते हैं. स्विच को रोकने के लिए ये जो स्विचिंग हो रहा है ना, बना जा. हाउ 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 क्यों घूम रहे हो तुम साथ में? ओहो प्रेस कर क्या है देखते हैं. हुआ नहीं. व्हाई? इसको क्या हुआ? तुम्हारा और क्या काम है? घूम रहा है रे. तो ये स्विच को मैं कैसे रोकूंगी? हाउ? इसको प्रेस किया. Two hours later. तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ मैंने फैन का स्विच नंबर 1 को प्रेस किया है एंड उसके बाद ये 2 नंबर वाला. तो एज यू कैन सी नंबर 1 एंड ये 2 नंबर वाला अच्छे से काम कर रहा है. तो अभी ये 3 नंबर वाला स्विच है, ये देखिए 3 नंबर वाला को प्रेस करने के बाद ये फैन चालू होना बंद हो गया है. मतलब ये ख़राब ख़राब इन द सेंस ये हल्का सा लूज़ है, तो उसको थोड़ा सा प्रेस करने की ज़रूरत है. तो ये देखिए मैं प्रेस कर रही हूँ इसको. तो ये प्रेस करने के बाद फ़ैन चालू होना हो गया है. तो अभी इसको मैं अभी छोड़ रही हूँ. देखिए ये छोड़ने के बाद ये फ़ैन चलना पूरा बंद हो जाएगा. फिर ये रहा एंड चलते हैं अभी फ़ैन के बैक साइड पर. अभी ये फ़ैन के बैक साइड पे ये वाला जो है आपका रोटेटिंग स्विच, तो इसको प्रेस डाउन एंड पुल अप करना ज़रूरी है. ठीक है, तो मैं अभी ये प्रेस डाउन कर रही हूँ और आप देखिए ये रहा. तो ये फ़ैन फिर भी रोटेट हो रहा है. तो अभी मैं इसको फिर से प्रेस डाउन कर रही हूँ. देखिए फिर भी ये काम नहीं करेगा. ये रहा प्रेस डाउन और देखिए फैन. तो इसका मतलब ये है कि मुझे डिफेक्टिव पीस रिसीव हुआ है. मेरी फूटी किस्मत.